ये तो आप जानते ही हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लेकर अभी भी कुछ हद तक अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर है। वहीं एसी और फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली कॉपर ट्यूब के लिए भी भारत ऐसे में चीन, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों पर इंपोर्ट के सहारे है। जिस तरह भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में इजाफा करने में लगा है, उसी में ध्यान देते हुए भारत में इन्हीं कॉपर ट्यूब्स को लेकर बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहां मलेशिया कॉपर ट्यूब निर्माता मेटा ट्यूब की भारतीय शाखा मेटा ट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को अहमदाबाद जिले के साणंद में एक अत्याधुनिक कॉपर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और जनवरी 2024 तक इस संयंत्र से काम भी शुरू हो जाएगा, ताकि भारत अपने निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदल सके। वहीं इस प्लांट में एयर कंडीशन में इस्तेमाल होने वाली फिफ्थ जनरेशन कॉपर ट्यूब का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि देश में कॉपर ट्यूब निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए इनिशिएटिव के बाद इस यूनिट की स्थापना की जा रही है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा जो रियायतें दी जा रही हैं, वो अब काम करती नजर आ रही हैं, जिससे भारत की जरूरतें आसानी से पूरी होती देखी जा सकती हैं। वहीं इस नए प्लांट में लगभग 1500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने के अवसर पैदा होंगे। वहीं इस परियोजना से आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं एक बयान में कहा गया है कि यह संयंत्र भविष्य में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये फिफ्थ जनरेशन कॉपर ट्यूब का निर्माण करेगा। बता दें कि मेटा ट्यूब कॉपर उन खिलाड़ियों में से है जिन्होंने व्हाइट गुड्स सेक्टर के लिए परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI योजना के तहत कंपोनेंट के निर्माण के लिए निवेश किया है। यहां आप देख सकते हैं भारत हर सेक्टर को PLI से जोड़ने में लगा है, ताकि भारत में बनने वाले हर एक वस्तु सामान सबकी कीमतों में लगाम लगाई जा सके और विदेशी निर्भरता को कम किया जा सके। अगर भारत अपने इस मिशन को पूरा कर लेता है तो भारत आने वाले समय में चीन, वियतनाम और मलेशिया को ही टक्कर देता हुआ नजर आएगा।